ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अपने बच्चों को बढ़िया से। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चे। आकृति। सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में आकृति क्या बताए थे, फाइनेंशियल ये डिसीजन के बारे में बता रहे थे ना, इंपोर्टेंस। Importance of financial management, बताइए previous class में यही बच्चे बताए थे, एक बार फिर से recall कर देते हैं सही बच्चे को। Importance of financial decision में बच्चे हम लोग समझे थे कि एक किसी भी organization में जो finance manager होते हैं उस manager को basically तीन तरह के decision लेने पड़ते हैं, या there are three types of financial decisions. First, investment decisions. Second, finance decision. और थर्ड क्या है आपका, ये क्या कहते हैं, dividend decisions. इन तीनों के बारे में बच्चे हम लोग, इसमें से first decisions के बारे में हम लोग explain किए थे, समझे थे कि investment decision में हम लोग ये समझे थे कि basically इसमें यह decision लिया जाता है कि जो मेरे पास money है उस money को हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। तो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझे थे। लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग कहते हैं। हम इस पर आगे भी डिस्कशन करेंगे बच्चे इस चैप्टर पर। और दूसरा समझे थे शॉर्ट टर्म के बारे में कि शॉर्ट टर्म डिसीजन जो होते हैं वो बेसिकली कैश हुआ, बैंक हुआ, डेटर हुआ, है ना, एटसेट्रा, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहां तक तो हम लोग समझे थे। इसके आगे आज के सेशन में बच्चे टुडे विल डिस्कस फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, इसमें आप बताएंगे मुझे। रोहित सही बच्चे कैमरा ऑन करो, अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे ग्रुप से। एक आदित्य सिन्हा किए हैं, अनुराग, रोहित, सत्यम, हाँ आकृति, क्या यहीं तक बताए थे, किससे भी आगे बताए थे आप लोगों को, मुझे तो इतना तक याद आया, इतना ही बताए थे, क्या और बताए थे। हाँ अनम्यूट करेंगे आप लोग बच्चे, अपने से खुद से म्यूट कर लेंगे, मुझे डिस्टर्ब होते हैं इसीलिए हम सभी बच्चे को अनम्यूट कर दिया। बोलिए आप। बोलिए सही बच्चे। हेलो। यस सर। रोहित आप प्रीवियस क्लास में थे ना रोहित? सर प्रीवियस क्लासेस में तो नहीं था, देख लिया था मैं। ओके आदित्य आप बताइए, आदित्य सिन्हा आपके बारे में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बताए थे। यस सर, वो सबके बारे में लिखवा चुके। आगे लिखिए बच्चे, हेडिंग लिखिए फाइनेंसिंग डिसीजन। एक बार तो पहले अपने मटेरियल से आप लोग जो है बच्चे उसको पढ़ेंगे, हालांकि मटेरियल तो अभी आप लोग के पास में नहीं है। लिखिए तो फाइनेंसिंग डिसीजन,
फाइनेंसिंग डिसीजन लगा दो द फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ क्रूशियल डिसीजन इज अ क्रूशियल डिसीजन क्रूशियल सी आर यू सी आई एल दैट इज टू बी मेड बाय That is to be made by that is to be made by the financial manager that is to be made by the financial manager That is to be made by a financial manager. लिख लिए सही बच्चे? Financial manager. The decision is about ऐसे करके खेडी दिखा रहा हूं कुछ फाइनेंसिंग डिसीजन सर द डिसीजन इज अबाउट एक मिनट सर थोड़ा और हटा के लिखिए ये सही था सर अब ठीक है चलो तो फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सर अबाउट का मतलब क्या है सर हाँ डिसीजन इज अबाउट हाँ इसको सेंटेंस पूरा कर लेते हैं अबाउट द फाइनेंसिंग मिक्स अबाउट द फाइनेंसिंग मिक्स of an organization financing mix of an organization क्या बोल रहे सर ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग मिक्स का मतलब क्या हुआ अरे बच्चे डेब्ट या इक्विटी पैसा आप कहां से जनरेट करोगे हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि पैसा आपके पास में दो ही सोर्सेस से जनरली आएगा
या तो आप अपना ओनरशिप किसी को ट्रांसफर कर दोगे, यानी आप शेयर होल्डर में जाओगे, या नहीं तो कहोगे नहीं हम आपको इंटरेस्ट ही पेमेंट करेंगे, हम आपसे लोन ले लेंगे। ओके, तो ये दोनों को अगर हम मिला दे तो ये मिक्स हो गया, तो फाइनेंसिंग मिक्स। Of an organization, it is focused on the borrowing. It is focused on the borrowing. Borrowing मतलब कर्ज होता है, BORROWING. It is focused on the borrowing and application of funds. An application of funds required for the investment decisions, of the firm. Of the firm, FIRM, अब इसमें तो तीन चार पॉइंट दिया हुआ है, सर एक बार ये वाला पूरा समझा दीजिएगा ना सर। क्या पढ़िए एक बार, कौन सा ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया इसमें? देखो इसमें क्या कहता है कि कोई भी फिनेंशियल मैनेजर होता है बच्चे, उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मनी जो हम जनरेट करेंगे, जो सोर्सेज है, सोर्सेज समझते हैं ना, फंड को रेज्ड करेंगे, फंड को क्या करेंगे, रेज्ड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कहां से बढ़ाएंगे? क्योंकि जब तक फंड नहीं बढ़ेगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए तो पैसा चाहिए ना। यस सर। वो पैसा कहां से आएगा? ये आपको इसमें डिसीजन लिया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि जो भी मैनेजर है, फिनेंशियल मैनेजर है, उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किस सेक्टर से मनी जनरेट करें। अब मनी जनरेट करने का बेसिकली दो ही सेक्टर है, और कितना सेक्टर है बच्चे? दो। कौन कौन? एक तो आपका डेप्ट है, यानी कर्ज बोरोइंग है, और दूसरा है क्या कि हम उसको अपना शेयर होल्डर ही बना ले, कंपनी का ओनर बना ले। तो सवाल यहां ये उठता है कि कंपनी का अगर ओनर बना लेंगे तो जो भी होगा, मैनेजमेंट हो, ऑपरेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सब तो दूसरे के हाथ में चला जाएगा। यस सर। जब चाहेगा, जैसा चाहेगा वो फिर बिजनेस को चेंज कर सकता है, हमारे बिजनेस को प्रभावित कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है यहां पर, वो दूसरा कंडीशन क्या है कि नहीं, हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट देने में सक्षम है, हम इंटरेस्ट पे करेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट हो, कंट्रोलिंग हो, ऑपरेटिंग हो, वो सब का सब हम अपने पास रखना चाहेंगे।
उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो है, सो बच्चे हम किस में जाते हैं, बोरोइंग में जाते हैं। लेकिन अगर बिजनेस न्यू है और उस सिचुएशन में कहीं से हम कर्ज ले लेंगे, पैसा उठा लेंगे कर्ज पर और प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो गारंटी नहीं ना है, मेरा तो बिजनेस नया है। अब न्यू बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो क्या डिवेंचर होल्डर आपको मानेंगे बिना इंटरेस्ट का? वो तो कहेगा हमको आपसे क्या मतलब है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ब्याज चाहिए। तो इस सिचुएशन में जब न्यू होता है तो उस सिचुएशन में क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जाता है शेयर होल्डर से डेप्ट में नहीं जा करके वो इक्विटी में जाता है। ओके, अब एक बार आप लोग अपने अपने बुक से भी मटेरियल भेजे थे आप लोगों को कि नहीं भेजे थे? नहीं सर। ये देखिए आपने मटेरियल में क्या कहा है, ये थोड़ा समझना हम लोगों को। सर पूरा नहीं भेजे, थोड़ा ही भेजे। अच्छा ठीक है, देखिए ये कह रहा है क्या कि आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड, एक मिनट में इसको भेज ही देते हैं आप लोगों को, ठीक है? थोड़ा आप लोग भी पढ़ेंगे इसको तो और बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। देखो तो बच्चे, हेलो सर, या मिक्स्ड सर फाइनेंसिंग मिक्स ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है सर? मिक्स का मतलब कुछ डेप्ट में कुछ इक्विटी में, उसका पूरा पढ़ के सेंटेंस सब समझ में आएगा कि द फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ क्रूशियल डिसीजन दैट इज टू बी मेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। ये तो समझ में आ गया, ये फाइनेंशियल मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस सर, इसमें जो ये डिसीजन लिया जाता है वो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। द डिसीजन इज अबाउट द फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सर ये भी समझ गए सर अब, ये जो मतलब इसमें डेप्थ और इक्विटी के लिए इक्विटी कंपोनेंट मिला के ऐसा बना के चलिए ना, ताकि उसमें क्या हो, बिजनेस में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मिक्स वर्ड जो आया है वो यही आया है कि डेप्ट भी थोड़ा और थोड़ा इक्विटी भी, दोनों का कॉम्बिनेशन करके रखिए जो आपको अच्छा लगेगा सर। चलिए अब अभी एक बार भेजे उसको पढ़िए सही बच्चे पहले, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो हैंड रेज कीजिए।
चलिए एक एक सेंटेंस और लिखवाते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पर लिखिए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा बच्चे। इन अदर वर्ड्स, दोनों डिफिनेशन में से जो अच्छा लगे उसको याद कीजिएगा, ये तो ये पूरे डिटेल है इसमें। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न with raising fund, raise मतलब भरना, raising fund from which long-term sources, financing decision is concerned with raising fund from which long-term sources, that is through shareholders fund, or borrowed funds, Bhaskar, that is through shareholders funds or borrowed funds. एक बार पढ़ो तो इसको, अभी जो लिखवाए इसको पढ़िए तो एक बार देखिए तो समझ में आया क्या क्या लिखवाए, कि फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विथ रेजिंग फंड फ्रॉम विच लॉन्ग टर्म सोर्सेस, दैट इज थ्रू शेयर होल्डर फंड्स और बोरोड फंड्स। यानी इस डिसीजन में बेसिकली यह फैसला लिया जाता है एक फिनेंशियल मैनेजर के द्वारा कि हम जो फंड क्रिएट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम शेयर होल्डर फंड से करें कि हम बोरोड फंड से करें, मतलब डेट करें कि इक्विटी में जाए। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी हो गया यहां पर बच्चे, और डेट का मतलब हो गया बोरोड फंड। लिखिए, शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड, शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड shareholder funds include share capital, reserve and surplus, share capital, reserve and surplus, and retained earnings, whereas Aditi, Rohit, Aditi Upadhyay, Aditi Kumari, उसके बाद अनुराग, प्रत्युष, कृष्णा, आयुषी कुमारी, सही बच्चे का कैमरा ऑन करो, यस विभा भारती बोलिए। रिटेल के बाद क्या बोले थे? रिटेन अर्निंग, कोई बात नहीं। आयुषी आप शायद लगता है स्कूटी चला रही हैं, छोड़ दीजिए उसको, आप ऑफ कर लीजिए। ओके, रिटेन अर्निंग्स वेयर एज
रिटेन अर्निंग्स वेयर एज बॉर्ड को होता क्या है कि ये बेसिक चीज है, इसको समझो थोड़ा कि किसी भी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना बच्चे, तो उस प्रॉफिट से वो दो ही काम करता है, या तो अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड पेमेंट करेगा, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट तभी होता है जो इनकम टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसको देने के बाद, सोनाली इस शेयर कैपिटल के बाद क्या बोले थे? शेयर कैपिटल के बाद क्या बोले? शेयर कैपिटल के बाद आपका था रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स वेयर एज बोरोड फंड्स इंक्लूड, whereas borrowed funds include debentures, long term loan, debentures, long term loan and public deposits. अब पढ़िए बढ़िया से, समझ में आएगा सही बच्चे को, एक बार रीड करके देखिए, पहले से ये बेटर है। जब जब कहते हैं तब तक कैमरा ऑन कर लेता है, तुरंत बंद कर देता है। हाँ, प्रॉफिट के बाद आपको क्या बोले, तो प्रॉफिट के बाद क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस लिख लिए, रिटर्न अर्निंग लिख लिए, उसके बाद आपका है whereas borrowed fund includes share capital, whereas borrowed funds include debentures, long term loan and public deposit. Profit कहाँ इसमें दिखाएंगे? Profit क्या पूछ रहे? Hello, एक बार अच्छा पूरा रिपीट कर दीजिए। ठीक है पूरा रिपीट कर देते हैं एक बार। देखो हम यहाँ पर क्या बताएं कि यहाँ पर हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में समझ रहे हैं, तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या लिखवाए कि इट इज कंसर्न विथ रेजिंग फंड, इट इज कंसर्न विथ रेजिंग फंड, यानी फंड को रेज करना, बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा? तो ये दो तरह से बढ़ेगा, या तो हम शेयर होल्डर फंड में जाएंगे, है ना, इक्विटी में जाएंगे, या तो हम कर्ज में, यानी बोरो किसी से कर्ज लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे क्या कि फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद रेजिंग फंड फ्रॉम विच लॉन्ग टर्म सोर्सेस, दैट इज थ्रू शेयर होल्डर फंड्स और बोरोड फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड, शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड shareholder funds include share capital, reserves and surplus and retained earning, whereas borrowed fund includes debentures, long term loan and public deposit. Okay bache,
हाँ सोनाली, आया समझ में क्या बच्चे, बताओ? यस सर। अब तो मुझे विशाल कुमार, आप बताओ बच्चे। विशाल आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ प्रत्युष, आप बताओ प्रत्युष। सर आ रहा है। दोनों में बेटर लैंग्वेज कौन सा लगा, फर्स्ट वाला लगा कि सेकंड वाला लगा? सेकंड वाला सर। हाँ ये मुझे भी अच्छा लगा। ओके सोनल, सोनल समझ में आया आपको? देखो जिस तरह से लिखवा रहे नोट्स उसी तरह से हम जवाब भी चाहेंगे आपसे। यस सर। अदिति, सही बच्चे बताओ। पूजा बताओ, पूजा। यस सर। श्रेया आर्यन और कॉलेज आओ, ठीक है? कॉलेज आओगी ज्यादा समझ में आएगा, जब क्लास ओपन है तो आप लोग एकदम से आइए सही बच्चे कॉलेज। सर शेयर होल्डर फंड्स के बाद से थोड़ा समझा दीजिए। ओके तो शेयर होल्डर का स्पेलिंग बच्चा SHARE होता है। अभिषेक, शेयर होल्डर फंड्स के बाद को हम बार बार यही चीज बता रहे हैं कि अभिषेक अगर आपको एक कंपनी का निर्माण करना है, आप अपने ऊपर में ही लेकर के समझो इसको कि बच्चे हमको एक कंपनी का निर्माण करना है तो हमको बनाना है तो हम क्या हो गए उस कंपनी के लिए प्रमोटर। क्या कहते हैं उसको? प्रमोटर कहते हैं। जिसके मस्तिष्क में यानी जिसके ब्रेन में सबसे पहले ये ख्याल आए कि मुझे कंपनी का निर्माण करना है, कंपनी को बनाना है, उस पर्सन को हम प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर। अब कंपनी बनाना है तो कंपनी में तो पैसे चाहिए ही, अब उस पैसे को कहां से जनरेट करें ये बताता है फाइनेंसिंग डिसीजन, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो। यहां पर तो अब मुझे ये पता तो चल गया कि मुझे कंपनी को बनाना है, कंपनी का निर्माण करना है, तो अब इसमें तीन डिसीजन बेसिक लिया जाता है। अरे मैनेजर बनाओ, कंपनी का मैनेजर होगा ना जी, फिनेंशियल मैनेजर। उस फिनेंशियल, अच्छा सभी बच्चे को म्यूट कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग अपने खुद से कर लीजिएगा म्यूट। ओके देखो तो आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो अब बेसिकली क्या करना पड़ता है कि अब कंपनी का निर्माण कर लिए, कंपनी का मैनेजर भी हो गया, तो उस मैनेजर को चूंकि सबसे हाई लेवल का हो गया वो ना, आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे? देखो तीन ही लेवल होता है, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। मैनेजमेंट का जो लेवल होता है वो तीन ही होता है। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको अब इस तरह से डिसीजन लेना पड़ता है कि पैसा कहां से आए, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां जाए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन कि जिससे पैसा हम ले लिए उसको खुश कैसे रखें, क्योंकि अगर वो नाखुश हो जाएगा तो तुरंत पैसा का डिमांड कर देगा हमको, तो हम तो पैसा उसका तो मार्केट में लगाए हुए हैं, हम तो पैसा उसका एसेट्स में लगा दिए हैं, तो अगर वो पैसा डिमांड कर देगा तो बच्चे फिर तो मेरा एसेट्स को बेचना पड़ेगा ना, तो बिजनेस तो मेरा कंपनी टूट जाएगा तब। तो उसको देखना पड़ता है मैनेजर को कि डिविडेंड डिसीजन मतलब डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो खुश हो जाए। अगर हम डेब्ट पे गए हैं तो बोरोड फंड जो है यानी डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है, हम उसको कितना इंटरेस्ट दें
टाइम टाइम पर इंटरेस्ट दे तभी तो वो खुश रहेगा, अदरवाइज क्या करेगा। अगर इंटरेस्ट हम मान लो भास्कर से हम 5 लाख रुपया ले लिए कर्ज पर और भास्कर को हम ब्याज देंगे ही नहीं तो भास्कर तो हमको कपड़े में छुड़ेगा जी मेरा। नहीं सर, नहीं छुड़ेंगे सर। जो मार्केट में चल रहा है आज के डेट में बच्चे, आप लोग इस चीज को, आप लोग पीजीटीएम के स्टूडेंट हो, आप इस चीज को समझो। जो एक मैनेजर है आप पोस्ट तक जा सकते हैं, आप जो डिग्री ले रहे हो इस डिग्री के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, आप मैनेजर की पोस्ट तक जा सकते हो बच्चे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यस सर। तो आप फंड को रेज कर देंगे सर, जब लोगे तो नॉलेज होगा तभी तो डिसीजन लोगे ना, काम करोगे। आप याद रखना है कि ये बेसिक जो है सो तीन ही डिसीजन है, ओके। और एक नोट्स भी हम आपको भेजे हैं अभी, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, नीचे पढ़ो ना, द टू एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर कैपिटल स्ट्रक्चर देयर आज क्या है पढ़ो तो, एंड डिटरमिनेशन ऑफ क्या ऑप्टिमम कैपिटल। देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है विभा बताओ? सर्वोत्तम, मतलब सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम सर। हाँ, अब सबसे उत्तम है तो सबसे उत्तम कौन है? तो अनुराग गौतम बहुत सिंसियर होकर के पढ़ता है, निश्चित रूप से उसका वो क्या करेगा, सक्सेस करेगा। कहने का मतलब ये है कि सर्वोत्तम तो उसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर उसको रखना पड़ता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर हम अभी आपको समझाए ना, कि ये बेसिक चीज समझाए हैं अभी, कि अगर मान लो मुझे मेरा बिजनेस न्यू है तो हम किस में जाएंगे? इक्विटी में जाएंगे, क्योंकि मेरे बिजनेस का नया है, हो सकता है इसे प्रॉफिट हो या हो सकता है प्रॉफिट नहीं हो, तो हम चलो भाई पूरा का पूरा मैनेजमेंट उसको दे देंगे। अब इक्विटी में भी आपका होता है शेयर कैपिटल, दो प्रकार का होता है ना, याद है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल जिसको पहले से ही राइट लेकर के वो आता है, नहीं अब अंबानी घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो बच्चा तो पहले से ही राइट लेकर के आएगा, करोड़पति अरबपति हो जाएगा। बोलो ठीक। इस तरह से एक प्रिफरेंस शेयर होल्डर जो होता है वो राइट लेकर के आता है कि जब कभी भी कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले पैसा क्या करेंगे शेयर होल्डर में, हम ही लेंगे। डिविडेंड सबसे पहले कौन लेगा? हम ही लेंगे। ये इक्विटी होता है कि सबसे लास्ट, बट एक्चुअल जो ओनर होता है कंपनी का बच्चे वो कौन होता है? प्रिफरेंस शेयर होल्डर ओनर नहीं होता, वो क्रेडिटर की तरह होता है। तो ये सब बात है इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में। अब फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, देखो तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, इस टॉपिक को बच्चे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करें क्या? यस सर, एज यू विश। यस सर। लेकिन इतना इसको जितना पढ़े उसको पढ़ करके आगे करना है। सही बच्चे कॉलेज आइए, ओके। बोलिए सर सबको आने। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास ही है सर? नहीं, आपका ऑफलाइन क्लास है ना, सेकंड में। सेकंड में सर पहुंच जाएंगे हमने। सर एक बात बोले, जब हम ये जब क्लास बच्चे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही हम, तब हम आपको थोड़े बोलेंगे ऑफलाइन में आइए सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर। मैं कह रहा था अगर स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से अगर सबको ऑफलाइन बुलाना है तो ऑनलाइन को ऑप्शन हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन मिलेगा तो लोग ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र।
बच्चे ओके ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सर थैंक यू